The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So selective androgen receptor mediators कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं, ये वहाँ वहाँ काम आ सकते हैं जहाँ जहाँ पे ग्रोथ मसल फैट की ग्रोथ की ज़रूरत है। कहाँ होगी? सबसे पहले अगर कहीं मसल वेस्टिंग हो रही है, मसल वेस्टिंग अगर हो रही है यानी मसल गल रही है, मसल यूज़ अप हो रही है, कैकेक्सिक है पेशेंट, बहुत पतला हो गया है, ऐसे कब होता है? कैंसर पेशेंट्स में होता है, सार्कोपीनिया में होता है, बहुत लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर ले लिया तो होता है, उम्र के साथ होता है, क्रोनिक बीमारियों में होता है, किडनी की बीमारी, COPD ज़्यादा हो जाए, अपना क्रोनिक हार्ट फेलियर, इन सब के उम्र के साथ साथ मसल लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है। और ऐसे मसल लॉस के साथ आपको आगे चल के बुढ़ापे में उम्र के साथ फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, फॉल का रिस्क बढ़ जाता है, मोबिलिटी कम हो जाती है, हिल डुल नहीं पाते, फिजिकल डिसेबिलिटी टाइप हो जाती है, दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन देना एक फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन के दूसरे साइड इफेक्ट भी हैं। तो इसीलिए सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर यहाँ काम करेंगी कि दूसरे साइड इफेक्ट कम हो और टेस्टोस्टेरोन वाले बोन एंड मसल प्रमोटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो। इसीलिए ऐसी दवाएँ बनाई जा रही हैं रिसर्च में। दूसरा तरह से बात करें ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को हम नॉर्मली सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं SERM, CERM, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जैसे टेमोक्सिफिन, रोलैक्सिफिन, ये क्या करते हैं? ब्रेस्ट टिश्यू को इनहिबिट करते हैं और यूटरस और बोन्स को स्टिमुलेट करते हैं। सो इनको एक्चुअली दिए जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में। अब SERMs आ जाएंगे, सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो भी ब्रेस्ट कैंसर में हेल्प करेंगे, जो कि ब्रेस्ट टिश्यू जो है उसको इनहिबिट करेंगे। सो ये हेल्प करेंगे आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर में। इस इवन रिसर्च अभी भी चल रहा है। सो इसीलिए SERMs बहुत काम आएंगे आगे चल के, अभी नहीं, अभी ये सब क्लिनिकल फेज में, कोई भी रिसर्च प्रोसेस के आगे नहीं गया है, क्योंकि रिसर्च का एक प्रोसेस है। सो एक बात हुई आपकी मसल वेस्टिंग की, उसमें काम आएंगे, ब्रेस्ट कैंसर में काम आएंगे, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में काम आएंगे। अगर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, पेशाब निकल जाता है स्ट्रेस से, तो आपकी एक मसल है नीचे लेवेटर एनआई नाम की, लेवेटर एनआई मसल जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपका एनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके एनस के आसपास जो स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो एक्चुअली वहाँ पर जो आपकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को रोकता है। सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को रोकने के लिए उस मसल के लिए उसको वो बहुत अच्छे से टेस्टोस्टेरोन से एंड्रोजन रिसेप्टर से इनर्वेटिव है, तो वहाँ पर ज़्यादा स्टिमुलेशन होगा तो आपका ये प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। सो इसीलिए ये स्ट्रेस UI में भी काम आएंगे, आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज में भी काम आएंगे, एजिंग में भी काम आएंगे, क्रोनिक डिजीज में भी काम आएंगे। सो ये काम आएंगे, इसीलिए इन पर स्टडीज चल रही है। प्री क्लिनिकल स्टडीज में बहुत सारे सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स पास हो चुके हैं, प्री क्लिनिकल मतलब एनिमल स्टडीज में। कुछ वहाँ से पास नहीं हुए, फेल हो गए, क्योंकि कई सारों में साइड इफेक्ट हुए हैं, कुछ कैंसर जैसे साइड इफेक्ट्स हुए हैं, कुछ बड़े मेजर साइड इफेक्ट, ब्लाइंडनेस जैसे कैंसर, वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन साइड इफेक्ट्स उनमें भी है। इसलिए आपको समझना है कि हर बार जो खाना बनता है अच्छा नहीं बनता, अच्छी डिश बनाने के लिए वक्त लगता है, बीच में उठा उठा के नहीं खाना पड़ता। इसलिए अगर आपको कोई इलीगली ये ड्रग्स दे रहा है तो आपको नहीं लेना है, अभी ये ड्रग मार्केट में नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो गलत हैं, आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए ये ड्रग नहीं इस्तेमाल करने हैं। ये ड्रग अभी क्लिनिकल ट्रायल्स, जो ह्यूमन ट्रायल्स में फेज 2 तक ही पहुंचे हैं। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब होता है कि अब 5 से 10 साल लगेंगे इसको एक्चुअल मार्केट में आने के लिए, पता करने में कि इनकी क्या एक्चुअल साइड इफेक्ट है, कौन सा ड्रग अच्छा है, कौन सा ड्रग बुरा है, और क्या डोज में सेफ है, क्या साइड इफेक्ट है, इन चीजों के लिए। ये बात याद रखिए, फेज 2 ट्रायल्स हैं और उनमें भी अभी तक जो गेन्स दिख रहे हैं वो मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट गेन का मतलब कि जब हम बात करते हैं मसल और बोन की ग्रोथ कंपेयर करते हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ, तो टेस्टोस्टेरोन का ग्रोथ रेट उस इस दवाओं के नॉर्मल डोसेज में, उनके नॉर्मल डोसेज में 5 से 10 गुना टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा है। यानी इनका जो मॉडेस्ट गेन हो रहा है मसल में, ग्रेन में, लेकिन साइड इफेक्ट कम है, साइड इफेक्ट कम है तो मॉडेस्ट गेन भी ठीक है, राइट। इसीलिए ये ड्रग्स आगे स्टडी हो रहे हैं कि अगले स्टेज में इनका स्टडी होगा, नेक्स्ट जनरेशन जो सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर आएंगे उनको हाई डोज में ट्राई करके देखा जाएगा, उनकी पोटेंसी बढ़ाई जाएगी। ये देखा जाएगा पोटेंसी बढ़ाने के बाद क्या उनमें साइड इफेक्ट आता है या नहीं आता, क्योंकि अभी जो ड्रग्स हैं उनकी पोटेंसी एक तो कम है, दूसरा नंबर एज कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन, दूसरा नंबर साइड इफेक्ट्स भी थोड़े कम है, लेकिन है। अब
साइड इफेक्ट की बात करने से पहले आपको दो बात बता दें। पहली चीज़ तो ये काम कैसे करते हैं, टेस्ट सर्म्स जो बोलते हैं, कई बार कई तरह के जो सर्म्स हैं वो डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होते और कई तरह के सर्म्स हैं जो ईस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट नहीं होते और एरोमेटेज एंजाइम का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए ये एक्चुअल इनके सिलेक्टिव और बहुत सारे टिश्यू स्पेसिफिसिटी भी होती है और बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे ये स्पेसिफिसिटी पाते हैं।